उत्तराखंड बहुत ही अच्छा समाज के विषय को उठाने वाला न्यूज चैनल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यूज उत्तराखंड बहुत ही अच्छा समाज के विषय को उठाने वाला न्यूज चैनल है और मैंने देखा है कि सड़क की बात हो, सड़क में टूटी सड़क की बात हो, योजनाओं की बात हो, योजनाओं में वो योजना जो अधिकारियों द्वारा कृत संकल्प होकर उनके अच्छे परिणाम न दिए जा रहे हों उनको अपने मुख पर लाना, इसी प्रकार से किसी के बिजली कनेक्शन का विषय हो, किसी के पुलिस उत्पीड़न का विषय हो, कहीं विद्यालय में कोई चर्चा का विषय आता हो, उन चर्चाओं को जो कहीं किसी को प्लेटफार्म पर नहीं मिलती, मान लीजिए कोई विद्यालय है जिसने बहुत अच्छा कार्य किया लेकिन उसको कहीं स्थान नहीं मिल पा रहा, तो उसको न्यूज़ उत्तराखंड में स्थान देना। इसी प्रकार अपने उत्तराखंड रुड़की के अंदर अनेकों ऐसे कार्यों में न्यूज़ उत्तराखंड द्वारा अनेकों व्यक्तियों को स्थान देकर उनके मान सम्मान और रुड़की और पूरे उत्तराखंड का गौरव और सम्मान को बनाने का कार्य पिछले निरंतर वर्षों में किया जा रहा है। न्यूज़ उत्तराखंड समाचार और न्यूज़ उत्तराखंड समाचार इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि जैसे उसका दायित्व पूरे उत्तराखंड का हो, और मैं मान के चलता हूँ कि रुड़की में इस न्यूज़ उत्तराखंड और उत्तराखंड में भी अधिकतर लोग न्यूज़ उत्तराखंड समाचार के ऊपर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। मेरी जीवन के अगले क्षणों में न्यूज़ उत्तराखंड समाचार को के प्रति सद्भावनाएं बनी रहेंगी और मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि भविष्य में इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उस वर्ग उस समाज का प्रतिनिधित्व इसमें इसके प्लेटफॉर्म पर मिलता रहे जिसको कोई अन्य न्यूज़ चैनल छू नहीं पाता। सर, कब आने का प्रोग्राम है आपका? देखिए, ये न्यूज़ उत्तराखंड समाचार अगर ये आमंत्रित कर ही रहे हैं आप सब लोग, तो निश्चित रूप से मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी हम समय दें और आप सबके बीच न्यूज़ चैनल में पत्रकार बनना भी इतना आसान नहीं है। लोग कह देते हैं कि भाई वहाँ पर रिपोर्टर हैं, लेकिन रिपोर्टर का मतलब ये हुआ कि जीवन पूरा समाज के प्रति समर्पित हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इन सब पत्रकार बंधु वहाँ पर रहेंगे, इसी तरह से मैं आऊँगा और मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे उम्मीद है कि जल्दी आप मुझे बुलाने वाले हैं। धन्यवाद। इन्होंने न्यूज़ उत्तराखंड समाचार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी बताया है, समाज से जुड़ा रहते हैं हम लोग। एक मैं धन्यवाद करता हूँ नववर्ष के साथ साथ लोहड़ी और जितने भी पीछे त्यौहार जितने निकले हैं उन सबकी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, उसकी इन्हें अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि राष्ट्र का एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व माना जाता है 26 जनवरी। तो उसके लिए विनय रोहेला जी और उनके संपन्न परिवार मुख्यमंत्री जी मोदी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की देता हूँ। मेरे सहयोगी अनूप सैनी, देवेंद्र रोहिला और मेरे रुड़की के प्रभारी मुनीश शर्मा जी के